मैं तो दिल्ली में रहता हूँ और रेडियो फीजी बहुत रेडियो फीजी रोज सुनता हूँ। रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन। नमस्कार फीजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूँ कृतिका कुमार। यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी के चार्ज अफेयर्स टोनी ग्रुबेल का कहना है कि फिजी को यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन द्वारा आयोजित की जा रही क्लाइमेट समिट में मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। ये समिट इसी महीने बाद में रहेगा जिसमें 40 देश के लीडर्स भाग लेंगे। फिजी के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ये जानना चाहा था कि प्राइम मिनिस्टर वोरेंगे बेनिमरामा को क्यों आमंत्रित नहीं किया गया है। ग्रुबेल ने एफबीसी न्यूज को बताया है कि ये सभा उन देशों के लिए है जो ज्यादा कार्बन रिलीज करते हैं। उनका कहना है कि फिजी ज्यादा कार्बन नहीं रिलीज करता है, इसीलिए छोटे छोटे देशों को आमंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ी है। पुलिस इंटरनल अफेयर्स के भूतपूर्व डायरेक्टर मोहम्मद तालिब खान को सुबह मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बरी कर दिया है। तालिब खान को पिछले साल चार्ज किया गया था जबकि ऐसे आरोप थे कि अप्रैल 2017 में उन्होंने एक्टिंग सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नाते आदेश दिया था कि एक व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार करके हिरासत में रखा जाए। बचाव पक्ष ने नो केस टू आंसर सबमिशन दिया है। मजिस्ट्रेट ने कहा है कि जो सबूत पेश किए गए हैं वो क्रेडिबल नहीं है तथा इसीलिए खान के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनता है। फिजियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने आज एक नया एफबीसी ऐप को लॉन्च किया है ताकि लोगों तक समाचार और नई जानकारी जल्द पहुंच सके। लोग एफबीसी ऐप के जरिए न्यूज को एक्सेस कर सकेंगे तथा 6 रेडियो स्टेशन के लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन सकेंगे। सोमवार से एफबीसी न्यूज 1 घंटे का हो जाएगा जहां देश विदेश की खबरें रहेंगे। न्यूज मैनेजर इंद्रा सिंह को उम्मीद है कि इससे व्यूअरशिप बढ़ेगी। एफबीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव रियाज सैयद खियूम का कहना है कि बुलेटिन में और भी खास सेगमेंट्स को शामिल किया जाएगा। एफबीसी के डिजिटल मीडिया स्पेशलिस्ट केल्विन प्रसाद का कहना है कि वे चाहते हैं कि ऐप के जरिए लोग एफबीसी के सभी कंटेंट का फायदा उठाएं। और खेलकूद के खबरों में पहली बार फिजी सेकेंडरी स्कूल्स रग्बी लीग में 2 वुमेन्स टीम फीचर करेंगे। दोनों टीम्स में वेस्टर्न और ईस्टर्न जोन्स के खिलाड़ी रहेंगे। जनरल सेक्रेटरी तनियला वाकमोदे का कहना है कि ये बड़ी कदम है जिसके जरिए महिलाओं को बढ़ावा मिलेगा। और ये थे आज के मुख्य समाचार। इन खबरों के लिए आप रेडियो फिजी 2 और मिर्ची एफएम भी सुन सकते हैं। शुभ रात्रि। Bula FM number 2 NCR.